सहारनपुर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोलीबारी में पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया। पकड़े गए तस्कर के कब्जे से गौवंश, एक एक्टिवा और अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई पर गागलहेड़ी पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गागलहेड़ी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि शमशाद नामक एक कुख्यात गोकस है जो गन्ने के खेत में एक गोवंश को काटने जा रहा है, गोकसी करने जा रहा है। इस सूचना पे गागलहेड़ी पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। जब उस गन्ने के खेत की तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिर भी पुलिस ने अपने को बचाते हुए, साहस का परिचय देते हुए चारों तरफ से खेत को घेर लिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें जो बदमाश था गोकस शमशाद को गोली लगी है और वो गोली लगने के बाद भी भाग रहा था। पुलिस ने उसको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। बदमाश की गोली से भी एक उत्तम नामक आरक्षी में भी हमारा घायल हुआ, उसके बाँह में गोली लगी है। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया।